हेलो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, रोटी और सब्जी में सिर्फ एक ही सीक्रेट चीज़ डालने के बाद आप ये नाश्ता बनाओगे ना, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनेगा बिना कलर के, और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे हम 1 कप गेहूं का आटा लेते हैं और आधा कप मैदा लेते हैं। आप 1.5 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हो या मैदा भी ले सकते हो। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून ऑयल, इन सबको पहले मिला लेते हैं। फिर ये एक जूस मैंने बनाया है 1/4 कप के करीब, तो ये डाल के हमें आटा गूंथना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या डाला है इस जूस के अंदर। पहले हम आटा गूंथ लेते हैं, तो हमें रोटी से थोड़ा सॉफ्ट इस तरह के आटा गूंथ लेना है। आटा गूंथ के रेडी है, इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा जूस डाल देते हैं। अगर जूस ख़त्म हो गया हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी आप दे सकते हो। थोड़ा सा ऑयल लगा के ऑयल को अच्छे से इसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, और ढक के इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। तो ये जूस हमने किस तरह से बनाया, आधा टमाटर लिया है, एक लाल मिर्च ली है, ये नहीं है तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं पर थोड़ी सी ही डालना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और बीट लिया है। तो बीट को पहले छील लेते हैं, और बीट हमें ये पूरा नहीं चाहिए, आधा बीट ही हमारी रेसिपी के लिए काफ़ी है। तो इसके पील कर लेते हैं और छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। अभी एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसके अंदर ये पीसेस डाल देंगे, आधा टमाटर भी इस तरह से छोटे पीस करके डाल दीजिए, और लाल मिर्च आधी डाली है मैंने छोटे पीस करके। अगर हरी मिर्च ले रहे हो तो इसे भी कम डालना। अदरक को भी छोटे पीस करके काट लीजिए, और इसको 2 से 3 घूंट पानी डाल के मिक्सी जार में क्रश कर लीजिए। पहले ऐसे ही क्रश करें फिर पानी डाल के क्रश करें। तो हमें एकदम थिन ग्रेवी नहीं बनानी है, इस तरह से सेमी थिन ग्रेवी बनानी है। इसको छान लीजिए, आप बिना छाने भी बना सकते हैं अगर पेस्ट आपकी फाइन हो एकदम। तो हमारा जूस रेडी है, इससे आप आटा गूंथिए, हेल्दी भी बहुत ही है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे हमने कुछ वेजेस लिए हैं, तो 1/2 कप गाजर को कद्दूकस कर लिया है, 1/2 कप ऑनियन लिया है उसको भी ने फाइन चॉप कर लिया है जूलियन में, कैबेज को फाइन चॉप कर लिया है, और कैप्सिकम को भी जूलियन कट कर लिया है। थोड़ा सा चीज़ डाला है, और ये 1 टीस्पून के करीब शेजवान सॉस डाला है, 1/2 टीस्पून नमक डालिए, 1/2 टीस्पून ओरेगानो, थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर डाला है, या फिर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, या कुछ भी नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पे रख दीजिए। तो आटा हमारा रेस्ट करके रेडी है, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से वापस से गूंथ लीजिए। इसके एक लुइया तोड़ेंगे रोटी से थोड़ी बड़ी, और इसको रोटी से बड़ा बेल लेंगे। आपको कोई भी एकदम इवन शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में हमें इसको कट करना है। तो जितनी हो सके उतनी बड़ी रोटी आपको बेल लेनी है। इस तरह से कोई कटोरी राउंड शेप की ले लेनी है इस साइज की, या फिर कुछ भी आप इस तरह से हमें इसको शेप देना है तो ग्लास भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 पूरी मैंने इस तरह से तैयार कर ली है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल देते हैं। अभी जो फिलिंग हमने बनाई थी वो बीच में डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छे से बीच में कर लेंगे।
इसके ऊपर दूसरी पूरी रख दीजिए और बीच में इस तरह से प्रेस कर लीजिए हल्का सा, और कटोरी से और थोड़ा छोटा राउंड आपके पास कुछ भी हो तो इस तरह से बीच में शेप दे देना है, और नाइफ से नज़दीक नज़दीक कट लगा देना है। तो पूरे राउंड शेप में हमने इस तरह से कट लगा दिए हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से बीच में दबा के इसको प्रेस करना है अंदर की ओर, तो एकदम बढ़िया सा शेप बन के तैयार हो जाएगा। ये नाश्ता आप गेस्ट आए तो स्टार्टर के लिए भी बना सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो और सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हो। तो हमारा नाश्ता रेडी है तलने के लिए। बहुत ही हेल्दी बनता है क्योंकि बीट इसमें है और गेहूं के आटे से ही बना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो इस तरह से सारे राउंड में कट लगा देंगे। इसका फिलिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जो फिलिंग हमने बनाया है, तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। इस तरह से पैक बराबर से कर देना तो खुल नहीं जाए ऑयल के अंदर जाने के बाद। कटोरी हमारी रेडी है, अभी डाल देते हैं उसको ऑयल के अंदर। मीडियम गरम तेल है, इसके अंदर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। कलर इसका चेंज हो जाएगा फ्राई होने के बाद और क्रिस्पी हो जाएंगे एकदम। तो गेहूं के आटे से और वेजिटेबल से बना ये नाश्ता एक बार ज़रूर से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप पार्टी में स्टार्टर की तरह भी ये रख सकते हैं। इतनी रेसिपी से 16 पीस बनके तैयार हुए हैं। फ्राई होके तैयार है, निकाल लेते हैं हम। कितने डिलीशियस दिखते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। तो हमारा हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है, प्लेटिंग कर लेते हैं। और आपको नई कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट करके ज़रूर से बताना मुझे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।